Okay, so here we are once again. All right, so कौन मुझे बताएगा पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप क्या होगा? बच्चों Am I audible? Minute. हाँ, audible हूँ मैं. हाँ. Yes. Sir, epsilon naught is equals to 1 upon 4 pi f. Therefore, epsilon naught is 1 upon f q square 1 r square. Since 4 pi is कॉन्स्टेंट, उसको भगा दिया 4 पाई को. ऑलराइट, फोर्स के बदले क्या लिखा जाए? मा क्यू स्क्वायर के बदले आई स्क्वायर टी स्क्वायर, इसके बदले एल स्क्वायर, आर स्क्वायर के बदले एल स्क्वायर, वन अपॉन एम. ए के बदले क्या लिखूं? ए के बदले क्या लिखूं? एल अपॉन टी स्क्वायर. L upon T square कहाँ ले जाऊं? T square को कहाँ ले जाऊं? T square को कहाँ ले जाऊं? The numerator. Numerator. Into 1 upon L square. तो यहाँ पे क्या होगा? देखो क्या क्या cancel होगा. अरे बहुत cancel हो ही नहीं रहा actually. It is becoming I square T का power 4 एम एल का पावर 3, और ये रहा आंसर आपके सामने. एल रेस टू माइनस 3, एम रेस टू माइनस 1, टी रेस टू 4 और ए रेस टू 2. बहुत डेंजरस आंसर आ गया. तो जरा चेक करो कुछ मिस्टेक तो नहीं की हमने? कोई मिस्टेक तो नहीं की? So where did Q1 go? हाँ, क्या क्या बोलो बोलो please. Q1 कहाँ गया? Q1. right. देखो मैं बताता हूँ, जैसे M1 into M2. M1 was mass, M2 was also mass. तो हमने M square लिखा था. उसी से जैसे Q1 is charge, Q2 is also charge. तो charge into charge में भी charge. Okay sir. That's a good question. प्लीज आस्क क्वेश्चन, बिंदास पूछो. क्योंकि कभी कभी तुम्हारे मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि स्टूडेंट को आता होगा, और स्टूडेंट जब क्वेश्चन पूछते तब पता चलता है कि अरे ये तो मैंने बिना बात रॉन्ग अजम्पशन कर डाला कि स्टूडेंट्स नो अबाउट इट. बात समझ में आली प्यारे बच्चों? ओ डियर स्टूडेंट्स, ओके. तो यहाँ पे मैं एक बार रूलर मार देता हूँ. देखिए, तो पहले मैं एप्सिलॉन नॉट को वहां, एफ को यहाँ, फिर एप्सिलॉन और 4 पाई को मैंने भगा दिया क्योंकि 4 पाई इज कांस्टेंट. तो यहाँ पे एफ लिखा, Q1 इज चार्ज, Q2 इज ऑल्सो चार्ज, तो चार्ज स्क्वायर, आर स्क्वायर, 1 अपॉन एफ के बदले मां, क्यू स्क्वायर इज आई स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि क्यू इज आई टी, आर इज लेंथ, तो 1 अपॉन एल स्क्वायर, ए के बदले एल अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर आ गया ऊपर, into I square, T square, M, A, ये सब. तो I square, ये रहा, T square into T square, T raise to 4, M as it is, L into L square, L raise to 3, और ये रहा आपके सामने answer. All right, ये हो गई बात खत्म, epsilon not की भी बात खलास. अच्छा, इसके बाद, अच्छा किसी को याद है मैंने coefficient of thermal conductivity किया था? Anyone remembers? Anybody knows? इधर कुछ आता है, इधर कुछ आता है. Who can tell me that? Anybody?
equal to area. Temperature. Coefficient of, anybody know the name? Coefficient of Vidhi. Vidhi, Afif, Jitu, tum log sab senior logo. Aprisha, mujhe yaad nahi hai maine kiya hai ki nahi. Yes sir, we have done it. Anybody knows what was the name of delta theta upon delta x? Iska ek naam tha. Who can tell me that? Ek naam tha uska. Chalo main hint deta hu. Temperature ke aage g word hai. Temperature g. G ke aage kuch kuch tha. Vidhi? Gradient. That's right. That's right, Marge. Marge, you are superb. I like your answer. Temperature gradient. बहुत प्यारे बच्चे हो तुम. मुझे क्या, मुझे जो आंसर देगा, जो फटाफट पढ़े करेगा, ही इज लवली फॉर मी. जो सोता रहेगा, लेट आएगा क्लास में, इज नॉट माय फेवरेट. ओके, देखिए हीट. अरे हाँ, डायमेंशन ऑफ हीट तो मैंने बताया ही नहीं. एनीबडी कैन प्रेडिक्ट व्हाट मस्ट बी डायमेंशन ऑफ हीट इज सेम एज व्हाट? So same as work. That's right. That's right. That's right. Okay. Okay. सबसे पहला step क्या होगा? पहला step क्या होगा? Sir, this Sunday do we have any test? Yes, we have given timetable to you already. So some bio test. Sir, bio test is there. Bio test होगा. तो bio वाली madam लेंगी. तो बाकी लोग बाकी लोग को भी दे दूं क्या एक टेस्ट? आई थिंक दैट इज बेटर ना. हाँ, दे दूं एक टेस्ट बायो के. बायो वाले बायो लिखेंगे, तुम लोग एक और टेस्ट लिख डालो. बायो वाले गिनते. हाँ, सब ब्रेक. चल ठीक है. ओके, हीट इक्वल टू वर्क. तो पहला स्टेप होगा के का आंसर लिखा जाए. क्या लिखा जाए? Q upon A into delta theta into samay. Samay. Okay, अब मुझे बताओ Q के बदले क्या लिखूं? Q के बदले you tell me, sir. Q के बदले क्या लिखिए? ये एक बात बताओ, चैप्टर बोर हो रहा है क्या सबको? तो मैं थोड़ा फास्ट भगा के Q के बदले sir IT लिखते. No, no, no! Sir, F into D. Oh, heat wala. Q is same as work. Sir, F into D. F into D. Aur main ek baar to W likh deta hu, so that you know, there is no confusion. This is 1 upon area. Idhar kya likho aur idhar kya likho? Anybody? Idhar kya likho? Sir, T upon D. Le, aur step batao. मैंने अभी अभी बताया था, वन अपॉन अफीफ ने क्वेश्चन पूछा था, वन अपॉन ए अपॉन बी कैन बी रिटन एज व्हाट अपॉन व्हाट. अफीफ, इसका आंसर क्या था? सर, डी अपॉन डी. तो यहाँ पे क्या लिखूं? यहाँ पे क्या लिखूं सर? डी अपॉन एक्स अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा थीटा. नहीं आया समझ में तो ना बोलो मेरे को कि सर नहीं आ रहा, क्या कर रहे हो आप? सर एक्सप्लेन इट वंस अगेन. अच्छा, ये मालूम पड़ा बेटा माज? ये हाँ सर आया समझ में. ये नहीं मैं माज, ये समझ में आया? नो सर. नहीं आया तो ना बोलो. हाँ, नो नो नो. ओके, तो मैं एक बार फिर से मेन फॉर्मूला लिखता हूँ. व्हाट इज क्यू इक्वल टू के इनटू ए? दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है. ओके, मैं एक बार फिर से फॉर्मूला लिखता हूँ. Q equal to K into A into delta theta upon delta X into T.
ये समझ में आया बेटा? ये माज ये yes. तो के मैक्स करके इसको नीचे ले आया, ये नहीं मालूम पड़ा तो ना बोलो, अभी भी मैं बोलता हूँ, ये नहीं आया ना समझ में, ये इधर से कैसे आया, ये आया कि नहीं समझ में? आया ना, बोलना यार माज सर। हाँ आ गया आ गया आ गया। क्यों के बदले, क्योंकि मैंने बताया हीट सेम एज वर्क, तो क्यों के बदले डब्ल्यू लिखा, इसको वन अपॉन ए अलग किया, इसको ए उल्टा ये वाला वन अपॉन ए अपॉन बीस बी अपॉन ए, तो इसको डेल्टा थीटा एक्स अपॉन डेल्टा थीटा, और ये वन अपॉन टी। आई थिंक थोड़ा सा डाउट है ना अभी भी? यस नहीं नहीं समझ गया। ओके वर्क के बदले क्या लिखूं? फोर्स इनटू डिस्टेंस, एरिया के बदले एल स्क्वायर। हाँ इसमें क्या लिखूं? एनीबॉडी डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स तो एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट शुड आई राइट? डेल्टा एक्स इज मास है कि लेंथ है कि टाइम है, खाली वो बताना है। डेल्टा एक्स लेंथ, तो आई राइट एल, और इसके बदले एम एल टी क्या लिखू? मास है कि लेंथ है कि टाइम है, डेल्टा थीटा टेम्परेचर डिफरेंस। हाँ क्या 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 सर? एफ इनटू डी, हाँ डेल्टा थीटा, सर चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बदले क्या लिखू? मास लेंथ या टाइम? हाँ क्या डी? वापस समझ नहीं आया मेरे को, जरा प्लीज वापस बोलो। और ये वाला पॉइंट थी फोर्स के बदले मास इनटू एक्सेलरेशन, डी के बदले एल, वन अपॉन एल स्क्वायर, एल अपॉन के, वन बाय टी। अब काटा कूटी करना चालू करेंगे, काटा कूटी देखो, एल इंटू एल एल स्क्वायर, तो ये गया एल स्क्वायर, और क्या गया? और तो कुछ जा ही नहीं रहा यार, बस एक ही गया गया। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचता है? मास बचता है और लेंथ बचता है। डिनोमिनेटर में क्या बचता है? के बचता है और टी क्यूब बचता है। तो ये रहा डायमेंशन आपके सामने, एल वन एम वन टी माइनस थ्री के माइनस वन। क्या बोलो? नो सर, प्लीज 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 बिंदास क्वेश्चन पूछो। बिंदास रामदास घनश्याम दास कुछ भी क्वेश्चन पूछो। हुसैन आपकी आवाज की बेटा? वो यस सर, फर्स्ट यू टोल्ड टी टू, फर्स्ट यू टोल्ड टी टू देन यू रोट टी थ्री। ओके नो प्रॉब्लम, मे बी माय एरर। फॉर्मूला सभी लोगों को याद है, मैंने एक बार जो फॉर्मूला डिस्कस किया है ना वो ध्यान रखो, एवरीबडी मस्ट नो। बहुत तकलीफ दूंगा मैं, वंस फॉर ऑल दीज आर यू नो कवरिंग एवरीथिंग। आपको कहीं से कुछ भी पूछेंगे तो आपको आंसर आना चाहिए। ऐसे रूलर मारू कि समझ गए? एक बार रूलर मारता हूं मैं, इस पर भी मारू ना एक बार प्यारे बच्चों। यस सर, ओके यहां से ये कैसे आया वो तो समझ गया आपको। क्यों के बदले मैंने लिखा डब्ल्यू, क्योंकि हीट इज सेम एज वर्क, ए वन अपॉन ए, ये उल्टा पुल्टा जो अभी अभी मैंने सिखाया था आफिफ को, दिस विल बिकम डेल्टा एक्स, ऊपर चला जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा थीटा इनटू 1 बाय टी। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, एरिया इज एल स्क्वायर, डेल्टा एक्स इज नथिंग बट डिस्टेंस, उसके बदले एल लिखा, This is nothing but temperature. तो इसके बदले क्या लिखा? One upon t, force, mass into acceleration. A के बदले मैंने directly अभी a लिखने के बदले l upon t square लिख दिया. D is nothing but l, one upon l square, l by k, one by t. मुझे पता चलता है कि this l square और this l square only gets cancelled into l l square. तो यहाँ पे बचता है ऊपर से बचता है m, इधर से बचता है l, इधर से बचता है k, और इधर से t square into t cube. Dum 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 dum. That's the dimensions of coefficient of thermal conductivity. मिटा दो इसको. Remember, this Q is not charge. This is heat. Let me give you. Heat is same as work. Heat is same as work. यहाँ पे Q इक्वल टू IT लिखा तो खत्म, प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा आपको. Q के बदले IT कब लिखने का?
who can tell me q ke badle it kab likhne ka when q is jab sa current hota to so small q नहीं स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू है उससे मतलब नहीं है बट क्यू के बदले क्या लिखा हो तो हमको आईटी लिखना पड़ेगा व्हाट शुड बी क्यू देन ओनली यू कैन राइट आईटी चार्ज चार्ज वेरी गुड इट शुड बी चार्ज तब जाके आईटी सिंबल मे हैव डिफरेंट मीनिंग इसलिए आपको देखो सिंबल के सामने क्या उन लोगों ने डिस्क्राइब किया है इसके बाद Coefficient of ये मैंने पढ़ाया नहीं है ये आपको 12th में आएगा इस सिंबल के बारे में बात की है कभी मैंने क्या इस सिंबल के बारे में कभी बात की क्या एन को पकड़ के उसकी टांग खींच देने का नीचे सर ईटा ईटा दैट्स राइट कहाँ बोला है मैंने एनीबडी कैन टेल मी वेयर इट आई हैव डिस्कस्ड Sir, in the last the previous chapter. कौन सा वाला बेटा कहाँ किया हमने? Sir, shear. हाँ. The mechanical property of modulus of rigidity, right? Yes, eta sir. Equal to F upon A theta. Eta equal to F upon A theta. F obviously force, A is obviously area. चलो ये अपने आप करके बताओ दम लगाओ अपने आप आंसर निकाल के बताया जाए इस चैप्टर से पूरी दुनिया डरती है लेट मी टेल यू सब लोग डायमेंशंस लर्न बाय हार्ट करते रहते हैं लेकिन आपको लर्न बाय हार्ट क्या करने हैं आपको लर्न बाय हार्ट क्या करने हैं बोलो फॉर्मूले लर्न करने हैं और फॉर्मूले आपको आगे भी काम आएंगे डायमेंशन लर्न बैठ करके कुछ फायदा नहीं है इट इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम पूरा वेस्ट होगा समय का जो फॉर्मूला लर्न करेगा इसका आंसर निकाल के बताओ Mostly 11th standard में मुझे लगता है कोई फेल नहीं करेगा कोई कॉलेज किसी को भी बहुत डिफिकल्ट होगा फेल करना चलो मैं देखता हूँ किसका आंसर आता है गेट द आंसर Sure.
सर सर हो गया Yes, who got the answer? Anybody who got the answer? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी compare करो. आप मुझे प्रिशियस शेट्टी आपका आंसर क्या है बताओ ईटा का. प्रिशा कल बोली थी आज नहीं बोल रही. अच्छा आफिफ आंसर बोलो. सर M1 L2 and T raised to minus 3. पहले ये समझ में आया तो मेरे को हाँ बोलना नहीं तो ना बोलना. ये राइट है कि रॉन्ग है. ईटा इक्वल टू एफ अपॉन ए इनटू सो दिस विल बिकम एफ इनटू डीवी अपॉन डीएक्स इनटू वन बाय ए. डीवी बाय डीएक्स की डीएक्स बाय डीवी ये मेरे को समझ नहीं आ रहा. डीएक्स बाय डीवी डीएक्स force is ma, dx is l, v is l by t, t ऊपर चले जाएगा, area के बदले l by t square, what is it? area के बदले l upon t square ना? a a के बदले this l l gets cancelled into t, 1 upon L square. So this will become M upon L T. And this is nothing but L minus 1, M 1, T minus 1. And therefore, Vidhi and Jitu are perfect. Vidhi and Jitu are perfect. Afif, aapne mistake kaha ki beta? Afif. Yeah. You can't figure out what is your mistake? Yes, sir. You can't figure out. Okay. ठीक है. इसके बाद में क्वेश्चन लिखो. State the principle of एक बार रूलर मारू क्या इसको? इसको रूलर मारने की जरूरत है क्या? यस सर. ओके देखो ये तो समझा कि ये भी नहीं समझा माज सर समझ गया. ओके तो एफ इज एफ एरिया को मैंने साइड में ले गया वन अपॉन ए और डीवी बाय डीएक्स को डीएक्स बाय डीवी. फोर्स इज मा डीएक्स इज नथिंग बट लेंथ तो इसके बदले मैंने एल लिखा. dv is nothing but velocity इसके बदले l by t तो t ऊपर आ गया. area के बदले l square तो इसके बदले l l पहले cancel कर दिया. alright a के बदले l upon t square this is t and this is 1 upon l square तो यहाँ पे t और ये तो ये नीचे t ये और ये l square तो नीचे l m upon l t ये रहा आंसर आपके सामने. नहीं आया समझ में माज? प्रिशा स्कॉलर्स प्रिशा ने डिसाइड किया नो आंसर आई विल गिव टुडे. ओके तो ये हो गया. उसके बाद मैं क्या बोल रहा था. हाँ एक क्वेश्चन लिखो. स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ homogeneity of
नाम बड़ा डिफरेंट है लेकिन बहुत इजी प्रिंसिपल है सर. क्या सर? माय मिस्टेक वाज सर इंस्टेड ऑफ 1 अपॉन l स्क्वायर आई हैड l बाय t स्क्वायर टिल द राइट. यस सर. अरे एरिया है, एरिया एरिया ही क्यों ट्राई l बाय t स्क्वायर एक्सेलरेशन इट द राइट इट्स ऑलराइट. मैं ना एस डी ही लिखूंगा जब भी प्रॉब्लम में इसको यूज करूंगा ना. आई राइट डाउन एस डी होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन यू नो. ये लिख दर आंसर ये इतना लिखो फिर मैं बताता हूं. ओके ये कॉपी किया सभी ने. टेल मी मास इज विच क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी. ले एल इज आल्सो फंडामेंटल. ये एक्स इज इसको बोलेंगे पावर्स. इसको एक्स बाय जेड माइनस वन टू माइनस फोर को क्या बोलेंगे? पावर्स. तो रिमेंबर व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ दिस. टेल मी द डायमेंशंस ऑफ द सेम फंडामेंटल क्वांटिटी विल बी सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फंडामेंटल इक्वेशन. इसको बोलेंगे फंडामेंटल इक्वेशन. इसको बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी. इसको बोलेंगे पावर्स. तो पावर्स ऑफ द सेम राइट डाउन द पावर्स ऑफ द सेम फंडामेंटल क्वांटिटी. पावर्स ऑफ द सेम फंडामेंटल क्वांटिटी. Powers of the same fundamental quantity will be same on both sides of the fundamental equation will be same on both sides of the fundamental equation. Will be same on both sides of the fundamental equation. ये आपको कोई पूछेगा नहीं, generally आता नहीं, लेकिन you should know कि because of what reason you are equating the powers because of principle of homogeneity of dimensional equation. All right. इसके बाद ऐसे लिखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशंस. यूजेस ऑफ डायमेंशन के लिए आप लोग नोट्स में आइए. क्वेश्चन 34 ऑन पेज 9. मेरा क्वेश्चन मैच होगा तो अच्छा है. क्वेश्चन 34 ऑन पेज 9. क्वेश्चन 34 जरा रीड करो क्वेश्चन बेटा. जीतू सर क्वेश्चन. क्वेश्चन 34 ऑन पेज 9. स्टेट द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. बस ये आंसर लिखना है. तो पढ़ो. नंबर 1 हाँ पढ़ो. टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन. वेट सपोज मैं ऐसा लिखू ना एक्सेलरेशन इज गिवन बाय वी स्क्वायर बाय आर.
और मैं बोलूं वेदर फाइन वेदर करेक्ट और नॉट, तो अपन क्या देखते हैं सर, इट इज नॉट पॉसिबल. एक्सेलरेशन एल अपॉन टी स्क्वायर, नो, बट बाय मेथड ऑफ डायमेंशन वी कैन फाइंड आउट वेदर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट. तो डायमेंशन से आपको ये गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट कैन बी वर्कड आउट. सो दैट इज द फर्स्ट यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला. अरे कोनन और विधि, आई एम नॉट कमिंग टू द क्लास टूडे, प्लीज नोट, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला. ओके, एंड तो पहला हो गया, दूसरा क्या बताओ, दूसरा यूज टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज. अभी ना कोई बोलेगा मुझे एक्सेलरेशन का रिलेशन चाहिए विथ वेलोसिटी एंड रेडियस, तो यू नो, और फोर्स का रिलेशन चाहिए विथ मास एंड एक्सेलरेशन, तो वी कैन डू दैट बाय मेथड ऑफ डायमेंशन. बाय मेथड ऑफ डायमेंशन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का आपस में क्या रिलेशन, एक्चुअली जब यूज करेंगे ना, व्हेन आई विल स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम इट विल बिकम क्लियर. तो पहला यूज क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला. आलोक गुप्ता फर्स्ट यूज क्या है, आलोक गुप्ता सर, या सर कुछ समझा नहीं सर, क्या बोल रहे आप, व्हाट इज द यूज नंबर वन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला, दैट इज द यूज. रिपीट करो इसको, रिपीट करो आलोक, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, दैट्स राइट. And number two is to get a relation between different physical quantity. Bhargesh, bol. Yes, sir. To get the relationship between different physical quantities. And rule number three, to convert a physical quantity from one system of unit, from one system of unit to another system of unit, to another system of unit. From one system of unit to another system of unit. ये तीन uses है. इसके लिए जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो. ओके, ओके, कौन बताएगा मुझे तीनों यूज एक साथ, तीनों यूज एक साथ कौन बतावेगा? Let me ask. Roshni, tino use batao. To check the correctness of an equation and to find the relationship between physical quantities. Right. And to find the conversion of one system of unit to the another system of unit. That's right. Very good. Where is Conan? Conan nahi hai group mein. कोनन कुरेशी, आर यू देयर? कोनन नहीं, चलो आज के लिए हम लोग इतना करते हैं. ऑलराइट, एंड वी विल स्टार्ट द यूज फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स.